हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्यूटोमेटर। आप सभी का स्वागत है फिर से एक्साइटिंग वीडियो पे। सो बेसिकली आज का टॉपिक है वो है किस तरह से हम लोग इसका फाइनल आउट निकाल सकते हैं, और ये जो है ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है, यानी रेंडरिंग आउटपुट फॉर्मेट्स, है ना। तो इसके पहले ही मैंने ऑलमोस्ट 49 क्लासेस दी हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ जाकर ज़रूर देख लो। और अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा ही पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ताकि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता रहे और मैं इस टाइप से सीरीज़ लाते रहूँ। मुझे आगे कौन कौन सीरीज़ लानी चाहिए वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर जाके। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इसी टाइप से जो है पूरे के पूरे सीरीज़ देता हूँ वीडियोस का, और ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, हालांकि अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे जो है सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत है आफ्टर इफेक्ट्स को सीखने के बाद एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट की, तो आप यूडी में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी जो है हमारी क्लासेस चलती हैं और वहाँ पर आपको फुल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप या कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी आप लोगों को सीखना है वहाँ पर जाकर ब्राउज कर सकते हैं, जिस डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दिया हुआ है। सो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि रेंडरिंग आउटपुट्स क्या होते हैं और किस तरह से हम लोग इसको जो है डिटरमाइन करें कि हमको किस फॉर्मेट में रेंडर करना चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता हूँ मैं, जिस भी कॉम्पोजिशन को आप लोग बनाओगे, आप लोग देखोगे यहाँ पे मैंने एक कॉम्पोजिशन बनाया था दो तीन क्लास चार क्लास पहले, तो जिसमें हम लोगों ने जो है इस टाइप से, ये मेरा बेस लेयर था, इसमें मैंने स्मोक डाला था, फिर यहाँ स्मोक डाला था, फिर मैंने आग डाला यहाँ पे, मतलब लाइट्स जो होते हैं आग के, फिर यहाँ पे राइट साइड में, फिर उसके ऊपर लास्ट में हम लोगों ने आग का ये डाला, है ना। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो है आप लोगों को खरीदने को मिल जाएगी। अगर आप जाओगे मेरे वेबसाइट www.tutomator.com तो यहाँ पे जाओगे ऑल सेट्स, यहाँ पे आपको मिलेगा एफएक्स एलिमेंट्स, तो इसके अंदर आफ्टर इफेक्ट्स रिलेटेड बहुत सारे आपको जो है एलिमेंट्स मिल जाएंगे, लाइक फायर हो गया, स्मोक हो गया, बुलेट्स हो गए, और बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे दिखाई थी वो सारी सारी चीज़ें जो यहाँ पे अवेलेबल है। इवन आपको अगर 3D मॉडल चाहिए एकदम रियलिस्टिक वाले तो वो सब पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो कितने सस्ते में 150-100 रुपीस में पूरा पूरा कलेक्शन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मॉडल या फिर एक चीज़ है, पूरा पूरा जो कलेक्शन है वो वहाँ पे रखा हुआ है, तो उसको जाके जरूर आप लोग एक बार जरूर देखना, है ना। तो आता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेप से मैंने इसको जो है बनाया था, और इसको जो है अब मुझे आउटपुट निकालना है, निकाल के मुझे जो है एडिटर को देना है, क्योंकि अब वो जो है कंपोजिट कंप्लीट हो चुका है और इसको मुझे देखिए अब नेक्स्ट काम इसमें जो भी एडिटर का काम है उसको एडिट वगैरह करना है। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों हमारा एक कंपोजिशन बनता है, जब भी हम लोग काम करते तो हम लोग कंपोजिशन के अंदर ही काम करते हैं, और यहाँ पे जैसे मैं कंपोजिशन बनेगा तो इसको जो है इसको ही हम लोग को रेंडर करना पड़ता है, क्योंकि इस कंपोजिशन के अंदर जितना कुछ होगा वो सारी की सारी चीज़ें रेंडर होकर बाहर आएंगे, है ना। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है कि आपको आप जो भी रेंडर कर रहे हैं उसका क्या आपने लिमिट सेट किया है कि नहीं, ये चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है ना। लिमिट सेट इन द सेंस कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये जो लिमिट है मेरा ये लिमिट है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं सिर्फ रेंडर होगा, इसके आगे का ये वाला जो पार्ट है रेंडर नहीं होगा। कभी कभी बहुत लोग मिस्टेक ये करते हैं कि इसको ढंग से नहीं रखते हैं, तो क्या होता है कि उनका रेंडर जो है हमेशा छोटा रेंडर होता है या फिर लंबा रेंडर होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जितना रेंज आपको करना है इसको आपको रेंज फिक्स करना है ना, और रेंज कैसे फिक्स कर सकते हैं, आप प्रेस कर सकते हो बी फॉर इन रेंज, और एन है नेक्स्ट वो है उससे होता है आउट रेंज, है ना। तो बी और एन से आप जो है इन रेंज और आउट रेंज या फिर इन पॉइंट आउट पॉइंट को आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग फ्रेम में जाता हूँ, यहाँ जाकर दबाता हूँ मैं बी, और लास्ट फ्रेम पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं दबाता हूँ एन। तो ये सबसे पहला हो गया हमारा काम कि हमको रेंज सेट करना है कि बेसिकली जो भी हमारा फुटेज होगा वो कितना रेंडर होगा। नेक्स्ट जो है फुटेज को पकड़ना है और यहाँ पे जाके करना है आपको कॉम्पोजिशन, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड टू रेंडर क्यू। जैसे आप ऐड टू रेंडर क्यू में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक नया टैब खुल गया, हो सकता है टैब बाय डिफॉल्ट आपके इसमें ना हो, तो यहाँ पे जैसे आप जाके करोगे ऐड टू रेंडर क्यू तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने पहले भी किया था तो यहाँ पे जो है रेंडर पे लग गया है, और जितने चाहे वहाँ पे आप एक के नीचे जो है रेंडर आप यहाँ पे लगा सकते हैं ना। तो अभी बाय डिफॉल्ट देखो दो लग गया है क्यू पे, क्यू का मतलब होता है लाइन, तो मतलब एक के बाद एक रेंडर यहाँ पे लग गया है ना। तो जितने कॉम्पोजिशन है या तो आप चाहो तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके वैसे छोड़ोगे तो भी जो है रेंडर क्यू में लग जाएगा। सो इट्स अप टू यू, आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हो, ठीक है। और रेंडर क्यू में यहाँ पे लग गया है। अब बेसिकली यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो हम लोग को देखनी है जो सेटिंग्स है, अब मैं डिटेल में दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कल को आपका एडिटर आपसे कोई दूसरा फॉर्मेट मांगे, और हो सकता है कि आपको पता ही ना तो आप कैसे फॉर्मेट दोगे, है ना। तो सारी चीज़ें एक एक सेटिंग्स जो है उसको मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको जो है पूरा प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो इसमें होना चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर आऊँगा मैं, यहाँ पे आऊँगा रेंडर सेटिंग्स में, मैं इसमें क्लिक करूँगा बेस्ट सेटिंग्स में, तो यहाँ पे देखोगे कि कुछ प्रीसेट जो है वो खुल गया है। तो यहाँ पे क्वालिटी है, बेस्ट चाहिए, ड्राफ्ट चाहिए, वायर फ्रेम चाहिए, कैसा चाहिए आप मैं बता सकते हो। बेस्ट का मतलब है कि जितना अच्छा हो सके उतना निकलेगा, ड्राफ्ट मतलब थोड़ा उससे कम निकलेगा, वायर फ्रेम उससे भी ज़्यादा कम निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे रिजोल्यूशन है, फुल रिजोल्यूशन, हाफ रिजोल्यूशन, क्वार्टर रिजोल्यूशन, बेसिकली ये जो ऑप्शन है आप यहाँ पे भी देखते हो हाफ क्वार्टर, तो ये सिर्फ प्रीव्यू पर्पस के लिए होता है, रेंडर पर्पस के लिए है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों ने जो है 4K में काम किया बट हमको आउट जो देना है वो 2K में देना है या फिर 1K में देना है, अभी जितना भी देना है, तो यहाँ से आप क्लिक करके बता सकते हो। अगर आपने 4K में काम किया, आपका कॉम्पोजिशन 4K है, फुल करोगे तो 4K आउटपुट निकलेगा, हाफ करोगे तो 2K निकलेगा, नहीं जस्ट आधा, और उसका आधा करोगे तो यहाँ पे थर्ड मतलब उसका तीन गुना कम होकर निकलेगा, है ना।
तो इसको हम लोग हमेशा फुल ही रखते हैं बेसिकली। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे कस्टम में जाके भी अपना अपना जो है स्पेसिफाई कर सकते हो कि कितना आपको रिजोल्यूशन चाहिए। तो बेसिकली जो मैं रखता हूँ फुल ही रखता हूँ हमेशा। नेक्स्ट आता हूँ रीड कैशे, तो इसको हम लोग एज इट इज़ छोड़ देना, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सारी चीज़ों को कुछ करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, है ना। अच्छा नीचे आऊँगा, यहाँ पे फ्रेम ब्लेंडिंग है फॉर चेक्ड लेयर्स, तो इसको कुछ नहीं करना है वो, इसलिए क्योंकि अगर आप इसमें कुछ भी करोगे तो पूरे लेयर्स में जो इफेक्ट पड़ेगा जो मैं कहूँगा कि मत करना। फील्ड रेंडर यहाँ पे अपर केस लोअर केस, इसको भी मत करना अपर फील्ड लोअर फील्ड, क्योंकि ये तब काम आता है जब हम लोग EVA के साथ काम करते हैं। बट प्रोफेशनली जब भी काम किए जाते हैं या तो वो हम लोग MOV फाइल के साथ काम करते हैं या फिर इमेज सीक्वेंस के साथ काम करते हैं ना, कभी भी हम लोग जो है अपर फील्ड लोअर फील्ड के साथ काम नहीं करते हैं। अच्छा नेक्स्ट आता है मोशन ब्लर, ये भी एज इट इज़ रहने देना है। चेक लेयर्स मतलब जिसमें मैंने मोशन ब्लर डाला होगा वो मोशन ब्लर लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, है ना। यहाँ पे ऑफ कर दूंगा ऑल लेयर्स, तो जितने भी मोशन ब्लर मैंने लगाया होगा सारा का सारा ऑफ हो जाएगा, कोई भी रेंडर जो है मोशन ब्लर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसको ऑन चेक लेयर्स कर दो, नो इशू। टाइम स्पैम वर्क एरिया ओनली लेंथ ऑफ अ कॉम, ये दो चीज़ है, यही जो मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि हम लोग जब लेंथ सेट कर रहे थे यहाँ पे कि बी और एन दबा के कितना मुझे रेंडर करना है, तो वो यहाँ पे पूछ रहे हैं। वर्क एरिया का मतलब होता है दोस्तों जो मैंने स्पेसिफाई किया, लेंथ ऑफ अ कॉम मतलब कि उसमें पूरा का पूरा जो कॉम्प है वो रेंडर होगा, भले ही आपने एक फ्रेम का ही क्यों ना लगाया हो उसमें बी और एन दबा के रेंज, तो आप जितना रेंज दोगे उसको इग्नोर कर देगा अगर आप लेंथ ऑफ कॉम्प करोगे तो। तो बेसिकली हम लोग जो है वर्क एरिया ही ओनली करते हैं, मतलब जितना मैंने दिया है उतना ही वो रेंडर होगा, है ना। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं, यहाँ पे सिर्फ फ्रेम रेट का ऑप्शन है, यूज़ दिस फ्रेम रेट और ये फ्रेम रेट, तो ये फ्रेम रेट को भी हम लोग नहीं छेड़ते हैं वो, इसलिए क्योंकि जो भी इनिशियल फ्रेम रेट होता है हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि उसी फ्रेम रेट में आउट निकले, ताकि जब भी वो एडिट में जाए तो उसमें जो है फ्रेम्स का आगे पीछे ना हो, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा हो सकते हैं गाली भी खाओ एडिटर के पास से, तो कभी भी इसको मत छेड़ना। नेक्स्ट यहाँ पे आता हूँ कस्टम, यहाँ पे स्टार्ट टाइम एंड टाइम, इसको भी मत छेड़ना क्योंकि ये ऑलरेडी जो है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके आउटपुट में, तो हम लोग नहीं छेड़ते हैं ना, इसको ओके कर दिया। नेक्स्ट जो है उसके बाद आऊँगा मैं यहाँ पे, वो है आउटपुट मॉड्यूल, यहाँ पे आऊँगा दोस्तों। ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या फॉर्मेट में आपको रेंडर करना है क्या नहीं करना है, ये है मेन चीज़, है ना। फॉर्मेट है बेसिकली, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगा, DPX हो गया, IFF हो गया, JPEG सीक्वेंस हो गया, MP3 हो गया, OpenEXR हो गया, PNG हो गया, फोटोशॉप सीक्वेंस, रेडियंस, टिफ, टारगा, वेव, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो इसमें से आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा जो है आउटपुट आपको मांगा गया है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप लोग आउटपुट निकालो या फिर इनपुट करो तो हमेशा इमेज सीक्वेंस में ही करो, और अगर इमेज सीक्वेंस में आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा हैवी हो जा रहा है, तब जाके आप क्विक टाइम यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली इमेज सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जितने भी इमेज रहेगा एक एक फ्रेम का, वो एक एक फ्रेम करके उसमें निकल जाएगा, है ना। DPX सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि DPX एक ऐसा फॉर्मेट है जो ज़्यादा हाई डायनेमिक रेंज भी जो है आपको देगा, प्लस आपका आउटपुट जो है वो भी आपको बहुत अच्छे से निकाल के देगा, है ना। नेक्स्ट जो है OpenEXR भी यूज़ होता है, बट OpenEXR बहुत ज़्यादा हैवी होता है इसलिए उसको छोटे प्रोडक्शन वाले यूज़ नहीं करते। PNG सीक्वेंस भी ठीक ठाक है, बट वही है कि इसमें भी थोड़ा सा हल्का वाला रहता है, तो इसको भी मत निकालो। अगर आपको निकालना है, अगर आपको छोटा मोटा अगर आप लोगों का प्रोडक्शन हाउस है और आप चालू करो, तो टिफ और टारगा जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। या तो आप टिफ में निकालो या फिर टारगा में निकालो, इनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है। सपोज़ अगर अगले वाले को जो भी आपका एडिटर है या फिर जो भी आपका DI आर्टिस्ट है उस पर अगर वापस से वो DI करना चाहता है या फिर वापस से कलर करेक्शन कुछ करना चाहता है, तो आपका जो फाइल का क्वालिटी वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। JPEG में गलती से भी कभी मत करना, यहाँ पे JPEG सीक्वेंस होगा इसमें गलती से भी मत करना क्योंकि बहुत गंदी हो जाती क्वालिटी, सो क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो क्विक टाइम जो है सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, अगर आप एप्पल iMac यूज़ कर रहे हो तो, क्योंकि मैं iMac यूज़ कर रहा हूँ तो मैं हमेशा क्विक टाइम पे ही निकालता हूँ क्योंकि क्विक टाइम जो है बेस फॉर्मेट होता है iMac का, है ना। अच्छा नेक्स्ट आऊँगा पोस्ट रेंडर, यहाँ पे एक्शन है कि रेंडर के बाद आपको क्या करना, जो भी आउटपुट आपका आएगा क्या उसको वापस से इम्पोर्ट करना है, क्या आपको इम्पोर्ट करके रिप्लेस फुटेज करना है, फिर उसको एज अ सेट प्रॉक्सी करना है, जो भी करना है आप यहाँ पे बता सकते हो, है ना। तो अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप करो यार, आप वापस यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हो, दैट्स इट, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट आता हूँ मैं वीडियो आउटपुट, यहाँ पे है चैनल्स। सो बेसिकली कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम लोगों को वीडियो में सिर्फ RGB चाहिए पड़ता है या फिर सिर्फ RGB के साथ अल्फा भी चाहिए पड़ता है ना। कभी कभी दोस्तों हम लोग ऐसा वीडियो बनाते हैं लाइक रोटोस्कोपी का हमने वीडियो बनाया, फिर कोई ऐसा हम लोगों ने वीडियो किया जिसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्रोमा कटिंग के लिए आया था, तो हम लोगों ने सिर्फ उसमें क्रोमा कटिंग किया और वो वीडियो को हमने दे दिया, तो वीडियो में बाय डिफॉल्ट जो अल्फा नहीं रहेगा तो बैकग्राउंड उसका ब्लैक आएगा, है ना। तो जब भी आप क्रोमा कटिंग कर रहे हो या फिर ऐसा कोई आप रिमूव कर रहे हो बैकग्राउंड, तो उसको हमेशा RGB प्लस अल्फा कर लो। इससे क्या होगा कि आपका RGB तो निकलेगा साथ में आपका अल्फा चैनल भी निकलेगा, मतलब ट्रांसपेरेंसी भी उसमें ऑलरेडी पुटअप रहेगा, ठीक है। आपको अलग से फिर से ट्रांसपेरेंसी चैनल निकालने की जरूरत नहीं है। तो RGB अल्फा जो है ये दोस्तों सिर्फ क्विक टाइम में आएगा, दूसरे किसी में करोगे तो नहीं आएगा। लाइक AVI होता है, अगर आप विंडोज़ यूज़ करोगे तो आपको AVI मिल जाएगा, H.264 मिल जाएगा, बट यहाँ पर उतना सारे ऑप्शन नहीं होते हैं, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट आऊँगा मैं फॉर्मेट ऑप्शन, तो इसके अंदर आऊँगा तो यहाँ पे मेरे को कोडेक मिलेगा कि मुझे किस कोडेक में निकालना है। तो कोडेक दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, हो सकता है आप मैं H.264 भी दिखा रहा हो। मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ एप्पल प्रोग्रेस 444, जिसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। भले आप रेड के फुटेज में काम कर रहे हो, आप कैनन के फुटेज में काम करो, निकॉन के फुटेज में काम करो, किसी में भी काम करो, एप्पल प्रोग्रेस 444 आपको हमेशा बहुत अच्छी क्वालिटी देगा। और अगर आपको प्रॉक्सी रेंडर मार रहे हो, प्रॉक्सी का मतलब होता है कि छोटा फाइल उसी का किसी भी साइज का, तो उसको 422 प्रॉक्सी भी आप ले सकते हो। 422 HQ भी बहुत अच्छा क्वालिटी आपको देता है, क्योंकि ये नया फॉर्मेट है, 444 के बाद 422 को HQ आया है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, उसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा है ना। अगर आपको चाहिए कि डायनामिक रेंज आपका काफ़ी अच्छा रहे, तो उसके लिए आप DNXR HD जो है इसको यूज़ कर सकते हो, इसका जो डायनामिक रेंज रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। अनकंप्रेस्ड यूज़ कर सकते हो, बट ये YUB फॉर्मेट में चला जाएगा, तो मैं कहूँगा कि इसको यूज़ मत करना। तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे अच्छा जो है आपका एप्पल प्रोग्रेस 444 ही है, ठीक है। एप्पल प्रोग्रेस 404 मैंने कर लिया। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बेसिक क्वालिटी, तो ये सब बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव रहता है, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा, ऑडियो में आऊँगा तो यहाँ पे भी ऑडियो मेरे पास दिखा रहा है अनकंप्रेस, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है, तो इसको ओके कर लूँगा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डेप्थ है यहाँ पे मिलियंस ऑफ कलर चाहिए, ट्रिलियंस ऑफ कलर चाहिए, मिलियंस ऑफ कलर्स इनफ होता है, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। कलर है यहाँ पे स्ट्रेट अनमैटेड चाहिए कि प्री मल्टीप्लाइड चाहिए, तो अगर आप अल्फ़ा यूज़ कर रहे हो तो मैं कहूँगा इसको हमेशा प्री मल्टीप्लाइड मैटेड ही करना। अगर आप स्टेट अनमैटेड करोगे तो वो ट्रांसपेरेंसी हटा देगा वहाँ से, ठीक है, तो इसको मत करना। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रिसाइज़ का ऑप्शन जो है, वो रिसाइज़ का ऑप्शन वो डिफ़ॉल्ट में बंद रहता है। रिसाइज़ अगर आप करोगे, सपोज आपने जो भी बनाया है और आपको उस साइज़ में नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप कस्टमाइज साइज़ कर सकते हो। लाइक मुझे ये जो है ये साइज़ नहीं चाहिए, तो मैं छोटा करूँगा तो देखो ऑटोमेटिकली जो है छोटा हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज आपको दिखा देगा किस परसेंटेज में आप रेंडर कर रहे हो, ठीक है। अगर छोटा करूँगा तो यहाँ पे देखो अपने हिसाब से मैं परसेंटेज भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, कितना परसेंटेज का मेरे को रेंडर चाहिए, बट बाय डिफॉल्ट हम लोग ये नहीं करते हैं। लॉक एक्सपेक्ट रेशियो से क्या होता है कि जो भी आपका फ्रेम का साइज़ है वो एक्जैक्टली वैसा ही रहेगा, सिर्फ उसकी क्वालिटी जो है पिक्सल जो है वो कम हो जाएंगे, पिक्सल डेप्थ। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल जो इमेज का लुक है वो एज इट इज़ रहेगा, बट आपका जो साइज़ है वो पिक्चर का साइज़ कम हो जाएगा, क्वालिटी कम हो जाएगी। तो इसको मैं हमेशा नहीं छेड़ता हूँ, छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। नेक्स्ट यहाँ पे कस्टम है, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, बट मैं कहूँगा मत चेंज करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही कर चुके हैं, यहाँ पे करने के वापस से कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। अच्छा, क्वालिटी आऊँगा यहाँ पे रिसाइज क्वालिटी, तो यहाँ पे देखो लो है, हाइट है, तो हाई करोगे, लो करोगे तो एकदम जल्दी जल्दी रेंडर निकलेगा पर उसका क्वालिटी बहुत लो होगा, हाई करोगे तो रेंडर टाइम थोड़ा ज़्यादा जो है वो खाएगा, है ना। तो रिसाइज को ऑफ कर दो। नेक्स्ट है क्रॉप, अगर आपको क्रॉप करना है लेफ्ट राइट टॉप से, कि हाँ मुझे ऊपर से लेफ्ट साइड से क्रॉप करना है, तब आप यहाँ पे क्रॉप कर सकते हो, बट नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, क्योंकि ये सारी चीज़ें एडिटिंग में ज़्यादा बेटर तरीके से होती है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट है कलर मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी नहीं करना है, मैं कहता हूँ, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें वहाँ से की हुई आती है, तो यहाँ पे मत छेड़ो कुछ भी, इसको सिर्फ इतना से जरूर जैसे मैंने आपको बताया, इसको क्विक टाइम कर लेना, इसको प्रोग्रेस 44 कर लेना, इसको RGB प्लस अल्फ़ा करना अगर आपके पास अल्फ़ा है तो। बट यहाँ पे देखो मेरे पास कोई भी अल्फ़ा चैनल मेरे यहाँ पे नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे जाके मैं कर दूंगा RGB, दैट्स इट, ठीक है, ओके करूँगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पे आउटपुट की, आउटपुट कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ मेरा आउटपुट जाएगा, है ना। जहाँ भी आपका आउटपुट चाहिए यहाँ पे नाम आप डाल दो अपने हिसाब से, जो भी आपको चाहिए। अब यहाँ पे नाम डालने के बाद यहाँ पे सेव करोगे तो वो चला जाएगा ना। तो लाइक यहाँ पे 14 है, यहाँ पे मैं रेंडर दिखा देता हूँ, रेंडर करके मैं सेव कर लेता हूँ, है ना। और जैसे इतना हो गया दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको रेंडर क्लिक करना है। और एक ट्रिक है, आप लोग हमेशा कैप्स लॉक दबा लो, उससे क्या होगा कि देखो यहाँ पे जो प्रीव्यू चल रहा था वो प्रीव्यू यहाँ पे ऑफ हो गया, इससे क्या होगा कि आपका रेंडरिंग जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो छोटे मोटे चीज़ों में चलो ठीक है चल जाता है, बट बड़ा जब भी आप लोग करोगे तो उस टाइम हो सकता है कि आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़े, तो उस टाइम जो है प्रीव्यू को ऑफ कर देना कैप्स लॉक दबा के, ठीक है। वापस से आता हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे पास जो गया है डेस्कटॉप में, मैं आप लोगों को उसका आउटपुट दिखा देता हूँ। लाइक मेरे पास ये था, तो ये जो है दोस्तों ये मेरा आउटपुट है। आप लोग देखोगे कि प्रोग्रेस 44 में निकालने का फायदा ये है कि जो ओरिजिनल हम लोगों को दिख रहा था वही जो है यहाँ पे निकला एज इट इज़, सेम साइज़ में, सेम क्वालिटी के साथ, कुछ भी यहाँ पे जो है इसमें लॉस नहीं हुआ है। बेसिकली दिक्कत यही होता है कि लोग जब आउटपुट निकाल नहीं पाते हैं तो लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है क्वालिटी में, इसके चलते क्वालिटी अच्छी नहीं दिखती है। तो मैंने जो सेटिंग बताया, इन सेटिंग्स को अगर आप यूज़ करके कोई भी चीज़ को रेंडर करोगे तो उसकी क्वालिटी हमेशा अच्छी आएगी, भले ही आप मोशन ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हो, आप VFX यूज़ कर रहे हो, किसी भी फील्ड में आप यूज़ कर रहे हो, तो मैं कहूँगा कि ये जो मैंने सेटिंग्स आपको बताई, इन्हीं सेटिंग्स को आप याद रखो और इन सेटिंग को याद करके रट लो, क्योंकि इन्हीं सेटिंग्स से सबसे ज्यादा जो है यूज होने वाला है। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास।